नमस्ते इंडिया, मैं विक्रम हूँ केडी से, और हमारा प्री फिनिश विनियर का मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग है ताइवान से। ये हमारा प्रोडक्ट है और हम लोग नेचुरल और रिकॉन में मैन्युफैक्चर करते हैं, और हमारी सारी विनियर पॉलिश किया हुआ आता है। तो जैसे आप नॉर्मल विनियर है उसमें आपको पॉलिश करना पड़ता है, हम लोग के विनियर में आपको पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यूवी कोटेड से पॉलिश किया हुआ होता है, और इसमें आपको बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिलेंगे जो आपको अनदर ब्रांड्स में नहीं मिलेंगे। इसमें हम लोग का दो टाइप का आता है, एक नेचुरल आती है और दूसरा रिकॉन आता है। अगर आपका टाइट बजट क्लाइंट है तो आप रिकॉन भी प्रीफर कर सकते हैं, जो आपको नेचुरल से थोड़े कम दाम में मिल जाते हैं, और मैं आपको इसका एडवांटेजेस भी दिखाऊंगा इसमें और दूसरे ब्रांड में क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो ये हमारा मोर देन 200 प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है और मोर देन 30 टाइप्स ऑफ वुड्स अवेलेबल हैं, और इसमें एडवांटेजेस हम लोग को मिल जाता है, फ्लेम रिटार्डेंट, स्क्रैच असिस्टेंट, केमिकल असिस्टेंट, सब ये काफ़ी एडवांटेजेस हो जाता है, जिसके लिए मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दे देता हूँ, और हमारे पास इसमें एजिंग का भी सॉल्यूशन है। जैसे कि एजिंग का एक इशूज आता है तो हम लोग इसमें मैचिंग पेपर बैग विनियर बनाते हैं। मैचिंग पेपर बैग विनियर और पैनल्स में डिफरेंस सिर्फ बैकिंग का है, इसका बैकिंग पेपर है और पैनल्स की बैकिंग जो है प्लाईवुड है, और हम लोग मलेशियन F1 ग्रेड प्लाईवुड यूज़ करते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल पैनल्स है जिसकी बैकिंग प्लाईवुड आती है, जो मलेशियन F1 ग्रेड प्लाईवुड होती है, और इसकी बैकिंग पेपर होती है, डिफरेंस बस यही है। और जो अपर लेयर है वो 100% आपको सेम मिलेगा, सेम कोटिंग, और हम लोग कोशिश करते हैं कि सेम लॉक के भी प्रोवाइड कर सकें। ये अभी और हम लोग का जो ये पेपर बैग है एजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे एजिंग करना होता है तो ये पेपर बैग को थोड़ा ऊपर करके हम लोग स्टिक करते हैं, और इसको हम लोग का ट्रिमिंग नाइफ या फिर कारपेंटर अपना टूल्स यूज़ कर सकते हैं ट्रिम करने के लिए, और ये काफ़ी ईजी है। ये देखिए, फिर हम जब हम लोग ये ट्रिम करते हैं तो इसमें थोड़ा सा रफ होता है, तो हम लोग 3 टाइप ऑफ सेंडिंग ब्लॉक यूज़ करते हैं इसको स्मूथ करने के लिए। तो हम इसको करेंगे, सबसे पहले हम लोग सेंडिंग ब्लॉक 240 यूज़ करते हैं। 240 यूज़ करने के बाद ये थोड़ा स्मूथ हो जाता है, उसके बाद हम लोग सैंड पेपर 400 यूज़ करते हैं ताकि ये और स्मूथ हो जाए। अभी ये काफ़ी स्मूथ हो गया है, लेकिन इसमें एक लाइन आ जाती है, तो ये लाइन को कवर करने के लिए हम लोग मैचिंग कलर यूज़ करते हैं, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके अपने मैचिंग कलर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो जो एजिंग है ये आपको पता नहीं चलेगा। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। और हम लोग ये भी डिफरेंस बताएंगे कि हम लोग का एजिंग में और उसमें क्या रहता है। तो ये बहुत इजी है यूज़ करना, और ये कलर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, और ये हमारा सर्विस पर्सन आपको आपके कारपेंटर को डेमो भी देगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। ये बहुत इजी है यूज़ करना इसको, बस ये जो कलर है ये अब आपको जो वाइट कलर थी जो लाइन थी वो आपको नहीं दिखेगी, और इस पर हम लोग एज पेंट करती है। तो इसको ड्राई होने में 2 मिनट्स लगेगा, तब तक मैं आपको दूसरा चीज़ दिखाता हूँ जो एडवांटेजेस है हमारा। अभी अगर आप नॉर्मल विनियर लेते हैं, नॉर्मल विनियर में अगर कोटिंग जो होती है मेलामाइन PU कोटिंग में, अगर हम लोग उसमें कोई भी कलर या फिर कोई भी मार्क कर देते हैं तो वेरी हार्ड टू क्लीन होता है वो। लेकिन हम लोग के विनियर में आप थिनर या भी कोई भी केमिकल यूज़ कर सकते हैं उसको क्लीन करने के लिए। तो ये देखिए डिफरेंस क्या होता है, हम लोग के विनियर में आपको इजी टू क्लीन हो जाएगा, कोई भी मार्क नहीं होगा, लेकिन दूसरे विनियर में जब आप उसको क्लीन करेंगे तो आपको एक डॉट मार्क्स उस पर आ जाता है। तो ये एक डिफरेंस, उसकी जो कोटिंग है वो निकल जाती है। ये तो फेमिलियर है कि नॉर्मल विनियर में हम लोग थिनर या फिर कोई भी केमिकल यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ये हम लोग का एक स्क्रैच असिस्टेंट भी आता है अगर हम लोग के विनियर में अगर ये स्क्रैच नहीं होता, लेकिन नॉर्मल विनियर में आप थोड़ा सा भी पील आउट करेंगे तो ये आपका निकल जाएगा, तो ये स्क्रैच हो जाता है, और जो हम लोग का जो विनियर है वो स्क्रैच असिस्टेंट देता है। और सबसे बड़ी एडवांटेज ऐसे एक सेफ्टी फीचर्स के लिए कि हम लोग के विनियर में ये फ्लेम रिटार्डेंट है,
अगर कुछ भी फ्यूल लग करके अगर इसके ऊपर फ्लेम लगता है तो फ्यूल ख़त्म होते ही फ्लेम ख़त्म हो जाती है, लेकिन नॉर्मल विनियर कोटिंग जो है वो बर्न होते रहता है और वो फायर स्प्रेड भी करता है। हम लोग का विनियर फायर स्प्रेड नहीं करेगा, और बहुत ज़्यादा फायर होता है तो वो सेल्फ बर्न होकर के ख़त्म होता है, फायर स्प्रेड नहीं करता है। तो ये आप डिफरेंस देख लीजिए दोनों कोटिंग में कितना डिफरेंस है। और ये सारे एडवांटेजेस के साथ हमारे सारे पैनल्स जो मोर देन 200 कलर्स में अवेलेबल है, सारे सेम कोटिंग के साथ आता है। और ये मैं इसको फाइनल टच देता हूँ जो हम लोग ने एजिंग किया था। ये हम लोग सैंड पेपर 800 है जो हम लोग फाइनल टच के लिए करते हैं, और ये जो है काफ़ी स्मूथ हो चुका है और जो एजिंग लाइन थी वो आपको पता भी नहीं चलेगी, और ये काफ़ी ईजिली मैच हो जाता है। अगर आपके कारपेंटर को एजिंग करते समय अगर साइड में कलर या फिर कुछ भी लग जाता है तो वरी करने का नहीं है, उन्हें हम लोग बताएंगे या फिर आप भी बता सकते हैं। उसी समय अगर वो थिनर या फिर उसके बाद भी थिनर या केमिकल से उसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं, तो ये जो लाइन दाग लगी है या फिर जो कलर लगे रहेंगे वो ईजिली आपका निकल जाएगा। ये सारा एडवांटेजेस हम लोग का है। हमारी कंपनी 70 ईयर से ताइवान में मैन्युफैक्चर कर रही प्री फिनिश विनियर, और हम लोग वर्ल्ड वाइड हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एशिया में हम लोग चाइना में, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस जगह पे, उसके बाहर भी हम लोग US में हैं और यूरोप में भी हैं, ठीक है। और हम लोग अभी मेनली हम लोग इंडिया पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि इंडिया सबसे डेवलपिंग है। और हम लोग 8 मंथ से मुंबई में स्टार्ट किए हैं, लास्ट 2018 से सितंबर में हम लोग ने मुंबई में लॉन्च किया है, और अभी बहुत अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं आर्किटेक्ट से, बिल्डर्स से, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। सबसे बड़ी है कि आपको इसमें जो कोटिंग का एक झमेला होता है उससे आपको रिलीफ मिल जाता है, ये रेडी टू यूज़ है। अगर आप प्राइस कंपेयर कीजिएगा दूसरे ब्रांड और हमारे में विथ कोटिंग कीजिएगा तो हमारा ब्रांड जो है आपको काफ़ी सस्ता मिलेगा या फिर सेम रेंज में आपको मिल सकता है, एक्सपेंसिव नहीं होगा। अभी हम लोग ने इंडिया में काफ़ी प्राइस भी कम किए हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और ऑल्सो वी आर लुकिंग फॉर द डिस्ट्रीब्यूटरशिप, हम लोग इंडिया में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप में भी इंटरेस्टेड है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा सारा डिटेल्स आपको लिंक में मिल जाएगा, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 8877212200 पे। मैं आपको इसके बारे में और कुछ डिटेल्स चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा, और आप हमको ईमेल भी कर सकते हैं inkd@twkd.com पे। अगर आपको विजिट करना है, अगर आपको मिलना है हमसे और लाइव प्रोडक्ट डेमो और प्रोडक्ट्स को देखना है तो वो भी हम आपको लाइव दिखा सकते हैं, आपके शोरूम में या फिर आपके सिटी में हम विजिट करके दिखा सकते हैं। ये कुछ सैंपल्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये सारे केडी के हैं, और सारे आपको पॉलिश विंडो मिलेंगे, किसी में भी आपको पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके ऊपर प्रोटेक्टिव फिल्म आएगी जो कि आपको एट ए वर्क टाइम में जो है थोड़ा सा इजी होगा। ये कुछ कलर्स थे जो मैंने आपको दिखाए, और हम लोग ने 3D टेक्सचर में भी इसको लॉन्च किया है, ये आपको 3D टेक्सचर के साथ मिल जाएगा। और जैसे कि आपको जो पैनल्स आएगी वो मलेशियन F1 प्लाईवुड है तो वो फ्लेक्सिबल भी होती है, और ये आपको प्रोटेक्टिव फिल्म के साथ आएगा। तो ये हम लोग सजेस्ट करते हैं जब काम ओवर हो जाए तो वो फिर इसको निकाल सकते हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट के पिक्चर्स भी मैं शेयर कर दूंगा आपको लिंक में, और आप हमको फॉलो भी कर सकते हैं KD Panels@KD Panels इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे हम लोग के डेली जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं वर्ल्ड वाइड वो हम लोग अपलोड करते हैं, और ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरीज या कुछ भी हो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।